कारण भारत के इस वक्त जो हालात है वो किसी को भी परेशानी में डाल सकते हैं। हर दिन 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इसी वजह से आईपीएल 2021 को भी अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खिलाड़ी अपने अपने देश लौट चुके हैं। भारत की इस स्थिति को देखते हुए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का दिल पसीज गया। उन्होंने इस देश की स्थिति को देखते हुए भारतवासियों के लिए एक इमोशनल खत लिखा। इस खत में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। दरअसल आईपीएल 2021 में कोविड के मामले आने के बाद इसे रोकने का फैसला लिया गया था और ये लीग अब दोबारा कब शुरू होगी इस पर स्थिति साफ नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में कोविड 19 की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा। बोल्ट उस न्यूजीलैंड दल का हिस्सा थे जो आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद घर लौट गए हैं। बोल्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, भारतीयों को देखकर दिल को दुख हुआ है। आईपीएल स्थगित होने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़कर दुखी हूं। इस मुश्किल समय में भारत के लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। बोल्ट ने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसने उन्हें काफी कुछ दिया। उन्होंने आगे लिखा, भारत एक ऐसी जगह है जिसने मुझे एक क्रिकेटर और व्यक्ति के रूप में बहुत कुछ दिया है। मैंने हमेशा अपने भारतीय प्रशंसकों से मिले समर्थन की गहराई से सराहना की है। ये दुखद समय है और मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्द ही सुधरेंगी। मैं इस खूबसूरत देश में लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। तेज गेंदबाज ने सुरक्षित घर वापसी करवाने के लिए मुंबई इंडियंस को भी धन्यवाद दिया और कहा, शुक्रिया मुंबई इंडियंस जिन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों और परिवारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। कृपया अपना ध्यान रखिए और एक दूसरे का भी ध्यान रखिए। मजबूत बने रहिए। तो ये था ट्रेंट बोल्ट का भारतीयों के नाम भावुक संदेश। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।